5 बजे फोन आया कि भाई मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ यहाँ पे, जहाँ मैं रूम में सोता था ना यहाँ पे आग लग गई और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और धुआं बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है रूम के अंदर, मेरा दम घुट रहा है, शायद मैं ना बचूं। दिल्ली की राख में जारी है अपनों की तलाश। पता चला मर गया वहां पर, ये सीजन में काम लगाया। दिल्ली की आग में राख हुए अपने। खबर बिहार आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राजधानी में हुए दर्दनाक हादसे ने बिहार को कभी ना मिटने वाला दर्द दिया है। घटना की चीख पुकार और टीस सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में सुनी जा रही है। सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाया तो विपक्ष ने सरकार को बदहाली की तस्वीर याद दिलाई है। देश के दिल दिल्ली से बिहार के हिस्से दर्द का एक ऐसा मंजर आया है कि एक साथ कई परिवारों को इसने सिसकियों की आगोश में ले लिया है। चांदनी चौक की एक गली और एक मकान में लगी आग से सबसे ज्यादा चीख बिहार की ही निकली है। मौत की इस मर्माहत तस्वीर पर अब बिहार में मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। उसमें लोग का दम घुट गया, अंदर सुबह 5 बजे लोग सो रहे थे। मैक्सिमम लोग हमारे जिले से है, दरभंगा मधुबनी से है, और मुझे मुख्यमंत्री ने भेजा कि जाकर के देखिए यहाँ पर, और हम लोग यहाँ से इनका बॉडी जाए, इनके परिजन जाए घर, इसकी व्यवस्था कराना बिहार सरकार वो करेगी। दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ है, मैं बहुत संवेदना है और मुझे जानकर बहुत पीड़ा हुई है कि उसमें कई बिहार के लोग हैं, मजदूर हैं, तो मेरी विशेष संवेदना है। ऐसी घटनाओं के बारे में थोड़ा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज के दिन में कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सुरक्षित है कि नहीं, अग्नि से वहाँ पर उचित सुरक्षा है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली की दुखद घटना पर शोक जताया है। सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, साथ ही मृतक के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष और श्रम विभाग से 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। जो भी व्यवस्था बन सकता है राज्य सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेकर के इस पर नजर रखे हुए हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से अपने मजदूरों के लिए, खास करके प्रवासी मजदूरों के लिए पूरी सजग है और हम उस तरह की व्यवस्था जो भी बन सकता है बनाएंगे। बिहार सरकार ने दिल्ली में घटी घटना पर मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश की तो विपक्ष ने शोक तो जाहिर किया, लेकिन सरकार की मानिंद कुछ सवाल भी दाग दिए। आरजेडी ने कहा कि सरकार का वादा था बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देने का, उसका क्या हुआ? तो कांग्रेस ने मदद के नाम पर दी जा रही मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग की है। तो जो वादा गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और गवर्नमेंट बनाई भी जनता गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि आप रोजगार दे सकें और जो भी मूलभूत सुविधाएं दे सकें, तो इसमें एकदम नीतीश कुमार जी एकदम फेल है। मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री से भी ये मांग है कि उस परिवार के प्रति, उस परिवार के को कैसे जो है कि उसका आगे का रोजी रोजगार चले, उसकी कोई व्यवस्था करें, उन लोगों को चिन्हित कर करके और एक्सक्रेशिया मनी कम से कम 5 लाख रुपए उनको जरूर मिलना चाहिए कि कोई रोजी रोजगार कम से कम यहाँ शुरू कर सके। रोजी रोटी की तलाश में दर बदर होना बिहार की नियति है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बेबसी निरंतर चलती रहती है। सियासी वादे कुछ उम्मीद जगाती है, लेकिन चांदनी चौक की पुरानी इमारत में आग के साथ ऐसी उम्मीद भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली अग्निकांड में सहरसा के कुछ मजदूरों के मारे जाने की खबर से कोहराम मचा है। ये सभी नरियार पंचायत के रहने वाले थे, जबकि इसी गांव के मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घर वाले किसी अनहोनी की आशंका से दहशत में हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल है। को लगभग 8 बजे के आसपास में टीवी खोलने के बाद पता चला कि दिल्ली में भीषण आग का कांड हो चुका है, जिस कांड में कि हमारे यहाँ पर के दो हमारे ये जो भांजा है, दोनों भाई है। हादसा तो सर मजदूर यहाँ से 10-12 है,
और चार का अभी तक खबर मिल चुका है कि मतलब चार डेट कर चुका है इसे, ठीक। जो एक घर से दो है, दोनों सगा भाई है, एक घर से एक है। आपके बचवा का वहाँ कोई अथी नहीं मिल पाया अभी तक? मिल तो पाया, कुछ कुछ आया है अपने रिश्तेदार, क्या मतलब क्या जानकारी वहाँ देख रहे हैं, रिश्तेदार जो है वहाँ पे अभी खड़े हैं, समझा, लेकिन वो लोग अभी तक जो है उससे भेंट नहीं कर पाया है। काम उसी फैक्ट्री में करता था? क्या जानकारी मिली दिल्ली में फैक्ट्री आग जो लगी है हादसा के बारे में? मैंने जानकारी क्या मिली वहाँ से बाबू? इतना पता है कि मेरा भाई इंतकाल कर गया। लोकसभा चुनाव के दौरान वोटरों के साथ मारपीट करने, डराने धमकाने के मामले में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ हुए दर्ज मामले को सही करार दिया है। संजय जायसवाल पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकने लगी है। इधर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं विपक्ष ने संजय जायसवाल का इस्तीफा मांग लिया है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। वोटरों को धमकाने और मारपीट के आरोप में संजय जायसवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग सेंटर पर वोटरों को धमकाने, डराने और उनके साथ मारपीट करने का है। पुलिस ने संजय जायसवाल के खिलाफ किए गए केस को जांच के क्रम में सही पाया है। बेतिया के एएसपी ने अपने सुपरविजन रिपोर्ट में केस को ट्रू करार दिया है। इसके मुताबिक संजय जायसवाल के अलावा दूसरे पक्ष के भी 12 लोगों को घटना का दोषी माना गया है और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। जो अपराधी है उसे हर हालत में दंड होना चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये तथ्य जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ऐसा कोई जी हमारा पूरा न्याय। लेकिन इस्तीफे की मांग हो रही है, ऐसा कोई विषय नहीं है मेरे सामने। संजय जायसवाल से जुड़े मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने संजय जायसवाल से इस्तीफा मांगा है। वहीं आरजेडी ने कहा है कि अब बिहार के पुलिस की परीक्षा है। चुनाव जीतने के लिए वो इस प्रकार के मुहिम को छेड़े थे। उस दिन भी हम आरोप लगा रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी हो, इनको जेल भेजा जाए ताकि सामाजिक वातावरण सौहार्दपूर्ण बने रहे। आज तो उन्हीं की सरकार है, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ही प्रशासन ने उस केस को ट्रू मान लिया। तो दो बात है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले आज उनको स्वयं अपने भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस समय ये घटना घटी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस ने तो जांच कर लिया है, अब ये देखना है कि कार्रवाई क्या होती है। असली सवाल ये है, अब तो कानून का राज कहते हैं, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो अब तो देखना है कि अब किसको बचा रहे हैं और किसको फंसा रहे हैं, ये पता चलेगा इसके कार्रवाई से। एक और जहां विपक्ष संजय जायसवाल का इस्तीफा मांग रहा है, तो जेडीयू मामले में बीजेपी अध्यक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए ये एक प्रक्रिया है, इसके बाद न्यायालय में दोनों ही पक्ष अपने तरीके से रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो सच है वो कहीं से रुक पाएगा। और संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक स्थापित नेता है, एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने बार बार वहाँ जनता का विश्वास जीता है, तो न्यायालय में उन्हें सच को साबित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। केस कैसा है वो तो हम नहीं जानते हैं, केस में जानकारी मिलेगी तभी बात बोल सकते हैं कि क्या केस था और क्यों उसको ट्रू किया, तब उस पर देखना पड़ेगा। कभी ठीक बात पर भी ट्रू नहीं होता है, कभी गलत बात पर भी ट्रू हो जाता है। आम चुनाव के दौरान 12 मई 2019 को शेख तैयब ने घोड़ासहन थाने में डॉक्टर संजय जायसवाल समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच एएसपी शैशव यादव के सुपरविजन में घोड़ासहन थाना इलाके के प्रभारी कुमार रोशन को सौंपी गई थी। जांच में संजय जायसवाल की तरफ से भी मामला दर्ज कराया गया था, जांच में उसे भी सही पाया गया है। प्रशासन ने दूसरे पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। बेतिया से धनंजय द्विवेदी, मोतिहारी से पंकज के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
इस बीच कई शहरों से महिलाओं से जुड़ी रेप की घटनाओं के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि देश भर में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है। मुजफ्फरपुर में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखेंगे कि नाबालिग रेप केस को महज 2 महीने में निपटाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार के मामलों पर जल्दी निष्पादन हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करे। मैंने अपने विभाग को भी निर्देश दिया है, जस्टिस विभाग को, कि इस दिशा में पहल करें। मैं स्वयं भारत के विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने जा रहा हूं और मैं स्वयं भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने जा रहा हूं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं आग्रह करूंगा कि अपने अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वहां बच्चियों के दुष्कर्म के मामला को त्वरित निपटारा किया जाए, वो देखें। और मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आग्रह करने जा रहा हूं कि नए कानून के मुताबिक बलात्कार, बच्चों के खिलाफ हिंसा में फांसी की सजा है और 2 महीने में अनुसंधान पूरा होना चाहिए। तो ये 2 महीने के कालखंड में अनुसंधान पूरा हो और त्वरित ट्रायल हो, ये हम सबों की कोशिश है। ब्राजील के राजदूत ए कोरिया डो लागो ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्राजील के राजदूत को अंगवस्त्र और करुणा स्तूप का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। दोनों के बीच कृषि, बायोफ्यूल, पशु विज्ञान में साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पशुधन के क्षेत्र में शोध को लेकर दोनों देशों के बीच समन्वय, बायोफ्यूल और कृषि के क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति बनी। इसके अलावा भी दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन, जल जीवन हरियाली अभियान, बिहार में गन्ने की खेती वगैरह के बारे में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने ब्राजील के राजदूत को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल को बिहार आने का न्योता भी दिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटकर